होटल बुक करते वक्त एक कांड हुआ एंड वी वर टोल्ड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। गुड मॉर्निंग, आज है 14th ऑफ मार्च और अभी हम निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुमन रात को जग गया था। यार हम लोग रेस्ट डे पे इतना कैसे टायर्ड हो गए, सुमन को हैंडल करते करते। द ब्यूटी ऑफ सुमन। तो चलिए अंदर बात करते हैं कुछ लोगों से। दिस होटल दैट वी स्टेड इन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। So this is the reception area of Taj Sojourn. So Anita, how did you like this place? Oh, it was a very nice stay और experience काफी अच्छा था, service काफी अच्छा था। तो ये भैया यहाँ पे हैं। Hello भैया, आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम साहिल शर्मा है। Okay, hello साहिल सर। मैं अभी इधर से डेढ़ साल से हूँ। अच्छा, और ये होटल कितना दिन से है? Approx 3-4 years हो गए सर इसको। अच्छा, और ये जगह कौन सी है? ताज नगरी फेज 2, ये मेन रोड है सर, फतेहाबाद रोड। ओके, यहाँ से आपका ताजमहल 1.5 किलोमीटर है अप्रोक्स। करेक्ट। और मेरा दोस्त लोग अगर आना चाहेंगे तो आप बिल्कुल वेलकम है। मैं रिकमेंड करूँगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से सबका ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। हाँ, तो ये रहे ये प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी का स्टाफ। आपका नाम भैया? मेरा नाम चरत सिंह है सर। आप बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे आगरा तो इधर ही आएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ श्योर श्योर श्योर, डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके, वेलकम टू कम बैक सर। श्योर 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 श्योर। ये है कार्ड इन लोग का। ओके बाय बाय। ठीक है अंकल जी, निकलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। तो आनंदिता विल स्टार्ट टॉक। मैडम आप भी डाल देना अपने मोबाइल से। हाँ हाँ हाँ, दोनों की बोल। ये सबसे बड़ा रिव्यू जा रहा है आपका होटल का, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन जा रहा है इसमें। तो अभी निकलते हैं और घर वाले के लिए पेठा खरीद लिया। लगेजेस आर ऑल पैक्ड, टाइम टू लीव फॉर अमृतसर। Our fourth trip with Stovan, and with each and every trip he's evolving, he's growing up, his food habits are changing, his sleeping patterns are changing, his preferences are changing, his song preferences are changing. So with each and every trip we are learning something new. कल जैसे रेस्ट डे पे हम लोग इतना टायर्ड हो गए क्योंकि ही वॉज गेटिंग वेरी क्रैंकी। उसको खेलना था, उसको बाहर घूमना था, उसको उसका नींद टूट गया था, तो अच्छी तरह नींद भी नहीं हुआ था। सो ऐसे सीखते सीखते हम लोग चल रहे हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे से पेरिफेरल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए ये रोड लेना पड़ता है, मिट्टी और धूल की समुंदर। इट इज रियली बैड। बीच में तो अच्छा था। शार्प लेफ्ट ऑनटू द रैंप टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। हाँ ले लेंगे, और उससे पहले ये 600 मीटर्स का टेंशन है। हेलो, अभी टाइम हो रहा है 12:42 और हम लोग पंजाब घुस गए, एंड तब से आनंदिता भूली जा रही है कि पराठा और लस्सी, तब से यही सुन रहा हूँ मैं। स्तुवान इज हैविंग हिज फूड, स्तुवान इज हैविंग हिज फूड, रेगुलर खिचड़ी दैट आई मेड इन द मॉर्निंग, एंड इज प्लेइंग विद द लिड कवर। पंजाब आने का बहुत मन था मेरे को। हवाई अड्डा प्लेन के अंदर बैठने देता हमको शायद, या दो बड़े बड़े प्लेन रखते हैं। वेरी एविडेंट दैट वी हैव एंटर्ड पंजाब, क्योंकि हर फ्लाईओवर ले रहे, उससे पहले धावा उससे बाद धावा, एंड सब कोई ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड। उसमें काफी बड़ा बड़ा भी है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अभी हरियाणा में ही है। 6 hours to go, 350 किलोमीटर्स।
तो लंच ब्रेक लिए है, दिस इज ऑन दी हाईवे, तिरंगा ढाबा। हो रही अपनी गाड़ी पार्क, अपना खाना आ गया, आनंदिता की लस्सी। The lassi is so thick कि स्ट्रॉ से। Special curry और मेरा एक plain curry। The lassi is so thick कि स्ट्रॉ से ऊपर ही नहीं आ रहा है। अब हरियाणा पंजाब आए और लस्सी नहीं पी तो क्या किया? Hello, it's 4:49. We are 170 kilometers away from Amritsar. The only problem is पंजाब हरियाणा का रोड्स का स्पीड लिमिट बहुत कम है, विच इज़ अराउंड 90. सो आई एम क्रूजिंग एट 90 किलोमीटर्स पर आवर, क्रूज कंट्रोल पर लगा दिया। समटाइम्स इट इज़ गेटिंग वेरी बॉदरिंग क्योंकि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, एंड व्हेन यू ड्राइव ऑन पूर्वांचल एंड देन यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके बाद ये वाला रोड्स कैन गेट अ लिटिल टायरिंग। बट एनी वे आज होटल बुक करते वक्त एक कांड हुआ, मे बी उसका एक अलग एक छोटा सा ब्लॉग बना देंगे कि क्या हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट इज़ 6:03 एंड वी आर जस्ट क्रॉसिंग जलंधर, जलंधर ऑन आर लेफ्ट एज वी क्रॉस। 1 hour 23 minutes more before we reach Amritsar. और जो कांड के बारे में बता रहा था उसको भी रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बाय द लुक ऑफ थिंग्स, बट स्टिल कोशिश कर रहे हैं। एंड आज होटल जाके थोड़ा टाइम निकाल के पूरा बताएंगे ताकि यू गाइज आर अवेयर वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू व्हाइल बुकिंग होटल्स। कैसा लगा सनसेट? बढ़िया है, एकदम खेतों के बीच। It's 7:27 and we have entered Amritsar. So it's almost 8 o'clock now and this is the hotel we are going to stay for couple of nights. यही वाला होटल लेके काफ़ी पंगा हुआ, एक्चुअली फ्रॉड हुआ। सो आनंदिता विल एक्सप्लेन, वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द इशू एज मच एज पॉसिबल, देखते हैं शायद पुलिस स्टेशन के पास भी जाना होगा। एनीवे दैट इज फॉर लेटर, अभी होटल दिखाता है। It's 11:45 now. Tomorrow's plan is हमें गोल्डन टेम्पल जाना है, तो we have planned to go out at 9. बहुत लाइन पड़ती है सुना है, so I'm a bit skeptical, पर वाहेगुरु की फतेह सब अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं कल, आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। बाय, गुड नाइट। हेलो यू गाइस, तो सप्तशी ने अमृतसर में एक स्कैम के बारे में आप लोगों को बताया था, पर डिटेल्स में नहीं बता पाए थे क्योंकि उस दिन हम लोग काफ़ी अमेंड करने की कोशिश कर रहे थे एंड वी वर टोल्ड टू गो टू द पुलिस स्टेशन।
तो इसी भागाधौरी में डिटेल्स नहीं दे पाए थे, तो आज ये वीडियो हम इसीलिए शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल में स्कैम बता पाए और ताकि आप लोग कभी स्कैम का शिकार ना हो। हम लोग खुद आईटी प्रोफेशनल्स हैं एंड ऐसे स्कैम का शिकार होके हमें खुद को भी थोड़ा एम्बैरेसिंग ही लग रहा है, बट दिस वीडियो इज सोलली टू मेक यू गाइस अवेयर ऑफ इट। तो हुआ ये था कि जब भी हम रोड ट्रिप में जाते हैं, वी डोंट मेक एनी प्रायर बुकिंग्स, क्योंकि रोड ट्रिप्स बहुत अनसर्टेन होते हैं, कभी कहीं तबीयत ख़राब हो गया या कहीं रोड ब्लॉक हो गया, तो हम लोग हमेशा होटल पहुंचने के पहले होटल गूगल करके फिर उसको कॉल करते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है। तो आई एम ट्राई टू शो यू गाइस कि क्या क्या रॉन्ग हुआ हमारे साथ। तो गूगल से ये वाला रिसॉर्ट हमको अच्छा लगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4.9 रेटिंग और इतना 3000 से भी ऊपर रिव्यूज़ हैं। तो हम लोग इसके फोटोज़ देखने लगे, तो अच्छा रूम भी है एंड वॉशरूम भी सब अच्छा लगा। तो इधर ही देखते देखते हमको ये वाला फ़ोटो मिला जहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, क्योंकि गूगल पे इस होटल का कुछ डायरेक्ट नंबर नहीं था, तो लेवल अप कंपनी का जो मतलब ग्रुप है, ग्रुप नंबर था पर इंडिविजुअल होटल का नहीं था। सो वी कॉल्ड दिस नंबर ओवर हियर, तो उस नंबर पे हम लोग कॉल किए और उस पूरे बातचीत का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग क्यों है, क्योंकि हम जब भी किसी होटल में कॉल करते हैं हम रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम वो लोग कुछ बोलते हैं या फिर कुछ ऑफर्स देते हैं और फिर जब हम लोग होटल पहुँचते हैं तो वो लोग मुकर जाते हैं, तो इसीलिए हमारा रिकॉर्डिंग ऑन था। तो अभी क्या बात हुआ वो आप लोग अब सुनिए। हेलो हेलो, होटल ग्रैंड कमाना। हाँ जी, आज और कल के लिए रूम अवेलेबिलिटी है? हाँ अवेलेबिलिटी है, मैंने आपको मैम बोला तो है सर, व्हाट्सएप पर अपना चेकिंग डेट चेकआउट डेट विद बुकिंग नेम कंफर्म कीजिए, मैं अभी आपका बुकिंग कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा जी, और आपका बेस्ट रेट्स क्या है? बेस्ट प्राइस है वो 2000 पड़ जाएगा एक रूम का, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा। और थोड़ा कंसिडर कर दीजिए, अभी तो जैसे रात हो ही गया, तो आपको 1500 में लग जाएगा लास्ट। क्या करना होगा एडवांस? आपको अपना 50% करना पड़ेगा। बिना एडवांस किए नहीं कर सकते? हम लोग होटल में जाके पे कर देंगे। उधर नहीं है, रिसीव तो होगा ना, सीजन का टाइम चल रहा है, बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग के बिना नहीं हो पाएगा पॉसिबल। पर भैया अभी कुछ ही घंटे में पहुंच जाएंगे, तो क्या जी कुछ ही घंटे में पहुंच जाएंगे होटल से, पेमेंट कर देंगे ना? तो कुछ तो पेमेंट कंफर्म करना पड़ेगा ना मैम, टोकन अमाउंट चार्जेस जमा करा देना कुछ। और रूम देखने हो तो आप भेजोगे? हाँ क्या जी, रूम के पिक्स फोटोज देखने हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, भेज देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पे पिंग करने को, तो वो लोग रूम के फोटोज भेजेंगे, और ऐसा तो मतलब हर होटल में ऐसा ही आजकल होता है। सो यर आई पिंग्ड देम ऑन व्हाट्सएप और उन्होंने काफ़ी सारे रूम के फोटोज भेजे, तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगा मैंने उनको वही बोला कि ये वाला रूम चाहिए, एंड दे अग्रीड टू कि बोला कि हाँ अवेलेबिलिटी है 2 दिन के लिए। सो उन्होंने हमें एक QR कोड भेजा और 50% एडवांस करने को बोला, तो मैंने उनको बोला था कि होटल पहुंच के पेमेंट करते हैं, क्योंकि वैसे भी ड्राइव कर रहे सप्तशी ड्राइव कर रहे, मैं सुवान को संभाल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे उनका रिसीप्ट जनरेट होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लाइन ऑफ होटल्स है। तो फिर हम लोगों ने 50% पे कर दिया और मैंने उनको ये वाला स्क्रीनशॉट भी दे दिया पेमेंट का, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। ऐसे लास्ट उन्होंने चैट पे लिखा कि ओके वेट 5 मिनट्स। फिर उन्होंने 2-3-4 मिनट बाद कॉल किया मेरे को और कॉल करके बोलते हैं कि आपको 100% पेमेंट करना है, और आप 100% पेमेंट कर दो, मैं 2 मिनट बाद फुल रिफंड कर दूंगा, क्योंकि उस रूम के लिए एक और कैंडिडेट भी बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप अगर फुल पेमेंट दिखा दूंगा तो रूम आपका हो जाएगा। तो ये बात मुझे थोड़ा फिशी लगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है इतने बड़े होटल में। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे 100% पेमेंट नहीं करना है, और आपका अगर रूम नहीं है आप मेरे को फुल रिफंड दे दो। तो वो बात इधर उधर करने लगा, उन्होंने बोला कि मैं QR कोड देता हूँ, आप उसको स्कैन करो तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। एंड आई हैव हर्ड अबाउट दिस स्कैम कि QR कोड से पैसे लेने का। सो मैंने बोला नहीं, मुझे और कोई QR कोड स्कैन नहीं करना, आप मेरे को मेरा पैसा मेरे फोन पे ही वापस दो अकाउंट पे।
तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत मैनर, आपके मैनेजर को बुलाओ. तो वो बोले ठीक है मैं 5 मिनट बाद बात करवाता हूँ. एंड तब मुझे बहुत ऑड लगा, वियर्ड लगा. तो मैंने लेवल अप लाइन ऑफ होटल्स का जो नंबर था उस पर डायरेक्ट कॉल किया. तो कॉल करते ही मैंने ऐसा बोला तो उन्होंने पहले ही बोला कि हाँ ऐसा पूरा स्कैम चल रहा है अमृतसर में, जहाँ हर होटल में, हर अच्छे होटल में उन लोगों ने अपना नंबर दिया हुआ है और ऐसे वो लोग काम कर रहे हैं. तो जो नंबर से, जो नंबर देख के हमने कॉल किया था वो एक्चुअली कस्टमर इमेजेस हैं. तो ये होटल खुद कुछ नहीं कर सकते कि उसको मैंने बोला कि आप फ़ोटो डाउन कर लो. तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कस्टमर इमेजेस हैं. पोस्ट दैट वी ट्राइड कॉलिंग फ़ोन पे कस्टमर केयर. तो उन लोगों से मेरा चैट हुआ तो उन्होंने बोला कि एक बार फ़ोन पे से पैसा निकल जाता है तो इट कैन नॉट कम बैक. तो कुछ भी कर लो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, आप साइबर पुलिस को कॉन्टैक्ट करो. तो टाइम हो जा रहा था, हम लोग अमृतसर पहुंच गए थे और हमें एक होटल भी चाहिए था. तो हमने फाइनली लेवल अप होटल का जो नंबर था वहाँ से ग्रैंड कबाना ही बुक किया और हम लोग वहाँ पे पहुँचे. तो वहाँ पे पहुँच के जो उनके मैनेजर थे सिमरन, उनसे बात करके पता चला कि हमें फिजिकली पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, हमें वेबसाइट पे, साइबर क्राइम के वेबसाइट पे वहाँ पे लॉन्च करना है कंप्लेन. तो वी डिड थ्री थिंग्स ओवर हियर. हमने पहले तो फ़ोन पे ब्लॉक करवाया वो नंबर कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे साथ. सेकेंड इज़ वी कॉल्ड अप आर बैंक और उनको भी बोला कि ये एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है. एंड थर्ड हमने साइबर क्राइम के वेबसाइट पे कंप्लेन लॉन्च किया. आफ्टर दिस क्योंकि होटल कबाना काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन हमारे साथ ये फ्रॉड हो चुका था तो जो सिमरन थे ही वॉज वेरी नाइस. तो उन्होंने वो वाला जो फ्रॉड का प्राइस उन लोगों ने बोला था उससे मैच करके हमें रूम्स दिए. इनफैक्ट हमें बेटर वाला रूम दिया क्योंकि स्तुवान था हमारे साथ तो वो बच्चे को देख के और भी बेटर वाला रूम दिए उसी प्राइस में. सो सिमरन यू आर अ स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच. तो आप लोगों को ऐसा फोटो कहीं भी दिखे, एक्चुअली हमें ये सिर्फ अमृतसर में ही नहीं, लुधियाना, कश्मीर, बहुत सारी जगह पे हमें ऐसा फोटो मिला जिसमें ऐसा नंबर प्रिंटेड है. सो ऐसे नंबर पे प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है. कम पैसे का हुआ तो चलो अच्छी बात है, ज़्यादा पैसे का हुआ तो फिर पछता के भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सो प्लीज़ बी केयरफुल, हमारे साथ जो हुआ उससे प्लीज़ लेसन लर्न कीजिए.